मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवानु। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संज्ञे से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।